पाकिस्तान भारत के हाथों हारा सबने देखा, किस तरह से पाकिस्तान की बेइज्जती हुई सबने देखा, लेकिन अब 3 दिन बाद मैं वही बात क्यों कर रहा हूं, या कहें कि 1 हफ्ता हो गया है उस मैच को और अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं। ये इसलिए कर रहा हूं कि अब जो चीजें सामने आ रही हैं वो बहुत हैरान करने वाली है, और इन चीजों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सरफराज आप तो क्रिकेट छोड़ दो। दरअसल हुआ यूं कि पाकिस्तानी आवाम में बहुत ज्यादा गुस्सा है, उनके फैंस में बहुत ज्यादा गुस्सा है, और यही देखते हुए जब सरफराज इंग्लैंड में एक मॉल में अपने बच्चों के साथ गए तो क्या हुआ, किस तरह से पाकिस्तानी फैंस ने अपनी बदतमीजी से हर किसी को हैरान किया। जरा ये छोटी सी क्लिप आप देखिए। भाई भाई आप सुबह जैसे मोटे क्यों हुए, बड़े मोटे हो, बड़ा नाम पाकिस्तान का रोशन किया आपने, सुबह जैसे मोटे हो, कम डाइट क्या करो। आप समझ सकते हैं कि कितनी शर्मिंदगी उस वक्त उठाई होगी सरफराज ने, और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तानी आवाम आखिर कैसे करती है, कम से कम भारत जब हारता है तब इस तरह की बातें सामने नहीं आती। आपने देखा था कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की हार पाकिस्तान के हाथों होर हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी भारतीय फैंस ने अपना आपा नहीं खोया था। गुस्सा हर किसी के अंदर था, लेकिन उस गुस्से का मतलब ये नहीं था कि अपने खिलाड़ियों को, अपने देश का मान बढ़ाने वालों को इस कदर बेइज्जत किया जाए जिस तरीके से पाकिस्तान के फैंस ने कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये एक वानगी नहीं है, इसके अलावा एक और वानगी आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तस्वीर में पाकिस्तानी फैंस क्या बोलता नजर आ रहा है। सरफराज मोटा, सरफराज, सरफराज मोटा। सुना आपने, तो समझ सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की आवाम अब पूरी तरह से झल्ला उठी है लगातार। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि भारत के हाथों हारते ही पाकिस्तान का अब सेमीफाइनल में पहुंचना भी पूरी तरह से लगभग बंद ही हो गया, क्योंकि पाकिस्तान 4 में से लगभग अधिकतर मैच तो हार ही चुका है, अब बचा तो बचा क्या, और यही सवाल अब बना हुआ है पाकिस्तान के सामने कि वो आखिरकार वर्ल्ड कप में करेगी क्या। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्रिकेटर्स को अपनी फिटनेस पर ध्यान देना पड़ता है, और उसी फिटनेस को देखते हुए जब सरफराज अपने टीम के लिए खेलते हुए वहां पर उबासियां बना रहे थे तब किस तरह से उनकी बेइज्जती हुई, सोशल मीडिया पर उनका कैसा मजाक उड़ा, यह हर किसी ने देखा, और यही कारण है कि अब पाकिस्तानी फैंस भी अपना आपा खोते नजर आ रहे हैं।